इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर तीसरे का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने इससे पहले पार्ट वन की वीडियो बना रखी है, ये पढ़ेंगे पार्ट टू। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माय असेस थ्रोन इन द गंगा। देखिए, पहले वीडियो में मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया था कि वास्तव में ये जो लेसन है किससे रिलेट करता है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और वहां से इसके बारे में डिटेल समझ लीजिएगा। और वीडियो को शॉर्टकट बनाते हुए मैं इसको बेहतर वे में पढ़ा रहा हूं ताकि हमारा टाइम का मैनेजमेंट हो, टाइम बचे और आपको बढ़िया से ये समझ में भी आ जाए। करा कि माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई असेस थ्रोन इन द गंगा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो मेरी इच्छा है कि गंगा नदी में मेरी अस्थियों के हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर भाग को थ्रोन मतलब प्रवाहित कर दिया जाए एट इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद में हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, कि जहां तक मेरा संबंध है, यानी कि जहां तक मेरा संबंध है, मेरी इच्छा यह है कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। इसमें मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और ना ही मेरा कोई रिलीजियस मतलब धार्मिक, सेंटिमेंट मतलब भावना है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद इवर सिंस माई चाइल्डहुड। कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से अटैच मतलब जुड़ा हूं। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया या जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन। मेरा यह अटैचमेंट यानी कि मेरा यह लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वायरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज। करें कि मैंने उसके बदलते हुए रूपों को देखा है जैसे जैसे सीजन्स मतलब ऋतुएं बदलती है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और हमेशा मैं सोचता रहता हूँ हिस्ट्री एंड क्या लिखा हिस्ट्री एंड मीथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग्स एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। यानी कि जैसा पुराणों में और इतिहास में कहा गया इसकी परंपराओं के बारे में, इससे गीत और कहानियों के बारे में विचार किया जाए, जो लॉन्ग एजेस मतलब युग युगांतर से इसके साथ जुड़ी हुई है और वह बहते हुए इसके जल का एक अंग बन गई हैं। यानी कि जैसे मैंने गंगा नदी के बारे में इतिहास में पुराणों में परंपराओं कहानियों में पढ़ा हुआ है कि युग युगांतर से गंगा नदी का पानी जैसे जैसे बहता है उसके साथ ये इतिहास ये परंपराएं उसके साथ जुड़ गई हैं। आगे लिखा कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि जो गंगा नदी है वह विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड टू हर पीपल, देखिए बिलव्ड टू हर पीपल का मतलब हो जाएगा कि जो भारतवासियों की प्रिय रही है। यहाँ पे पीपल से मतलब यह है भारतवासी। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेसिकल मेमोरीज, राउंड विच मतलब जिसके चारों तरफ जिसके इर्द गिर्द, इंटरवाइंड मतलब गुथी हुई है, रेसिकल मेमोरीज मतलब जातीय जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और उसके भय जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्थ, यानी कि विजय के गीत जुड़े हुए हैं। हर
विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उसकी विजय और उसकी पराजय जुड़ी हुई है। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। सिंबल का मतलब प्रतीक, कल्चर मतलब संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। यह भारत की बहुत दिनों, लॉन्ग एज मतलब होता है दीर्घकालीन समय से, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। ईवर चेंजिंग, जो निरंतर बदलती रहती है, ईवर फ्लोइंग, निरंतर बहती रहती है। एंड एट ईवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा वैसी लगती है, गंगा रोज बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, फिर भी ऐसा लगता है कि गंगा अपने स्थान पे वैसे ही पड़ी हुई है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स, करा है कि वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की उन गहरी घाटियों की, डीप वैली मतलब गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, मुझे हिमालय की उस गहरी घाटियों का याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रीच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जिसके नीचे, रीच का मतलब यहाँ पे है समृद्ध, यानी कि जो जिस खेत में अनाज ज्यादा बढ़िया पैदा होते हैं, जहाँ पैदावार बढ़िया होती है, उस खेत को हम एक तरह से रीच बोल सकते हैं, समृद्ध। एंड वास्ट मतलब विशाल, प्लेन्स, प्लेन्स मतलब समतल मैदान, बिलो मतलब नीचे, यानी कि जो हिमालय पर्वत के नीचे सतह पे जो खेत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट, जहां पर मेरा जीवन और मेरा कार्य, कास्ट मतलब ढले हुए हैं। आगे लिखा है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के प्रातःकालीन प्रकाश में, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग मतलब नाचती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और संध्या काल में या जब अंधकार हो जाता है। एंड फूल ऑफ मिस्ट्री, जो रहस्य से भरी हुई है। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही संध्या काल होता है, कह रहा है कि ऐसा लगता है कि यह अंधकारमय हो गई है और रहस्य से भरी हुई है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, कह रहा है कि शीतकालीन समय में या जाड़े के समय में यह एक नैरो मतलब तंग बन जाती है, तंग मतलब बहुत पतली बन जाती है, स्लो मतलब धीरे धीरे मंद गति से बहने लगती है। एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, और इसकी जो जलधारा होती है वो शोभायुक्त होती है, ग्रेसफुल का मतलब हो जाएगा शोभायुक्त। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, करें कि मानसून के दौरान एक विशाल गरजती हुई, ब्रॉड बसम्ड ऑलमोस्ट मतलब विशाल वक्ष स्थल वाली, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एज द सी, ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र बन गई हो, सागर बन गई हो। एंड विथ समथिंग ऑफ द सी सब पावर टू डिस्ट्रॉय, और ऐसा लगता है कि उसके अंदर समुद्र की शक्ति आ गई है, टू डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करने के लिए, यानी कि वह सागर के समान विनाशक शक्ति रखने वाली द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल, मेरे लिए एक प्रतीक बन चुकी है, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, और मेरे अतीत की प्रतीक बन चुकी है, मेरे अतीत की स्मृति बनी हुई है, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, यानी कि जो वर्तमान से लेकर के, फ्लोइंग मतलब बहते हुए, भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है।